प्रशांत महासागर में चीन और रूस की नेवल फ्लीट का एक्शन जारी है। चीन और रूस की नौसेनाओं ने अब पैसिफिक में ज्वाइंट पेट्रोलिंग के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को डायरेक्ट संदेश दिया है। चीन और रूस की नेवी लगातार पैसिफिक में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। कब्जाधारी चीन ने घुसपैठ का नया रिकॉर्ड बना दिया है। बीते एक साल में चीन ने साउथ कोरिया के एयर डिफेंस क्षेत्र में 70 बार घुसपैठ की। साउथ कोरिया की डिफेंस रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ साल में चीन की घुसपैठ के आंकड़े बढ़े हैं, तो ताइवान के क्षेत्र में घुसपैठ करना चीन के लिए हर दिन की बात है। ताइवान के खिलाफ चीन अब एम्फीबियस असॉल्ट की तैयारी कर रहा है। चीन जेट प्रोपेल्ड सब बोट का टेस्ट कर सकता है। चीन सॉलिड जंगी तैयारियों के बाद ताइवान पर हमला करेगा। इसी वॉर प्लान के तहत एम्फीबियस अटैक की तैयारी की गई। समंदर में चीन की हिमाकतों का काउंटर करने के लिए अमेरिकी नेवी को दमदार अंडरवाटर ड्रोन मिलने वाला है। अमेरिकी नेवल ड्रोन अटैक और सर्वेलेंस के अलावा सीक्रेट स्ट्राइक करने में सक्षम है। ऐसे में अमेरिकी नेवी अब बॉटम से पीएलए को टारगेट कर सकती है। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ने अब रूस का खुला समर्थन किया। चीन ने अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग देते हुए कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया तो विनाशक अंजाम होगा। इससे रूस और अमेरिका में सीधी जंग की आशंका बढ़ जाएगी। चीन के संभावित हमलों को जवाब देने के लिए ताइवान ने डिफेंस बजट में 13% की भारी भरकम बढ़ोतरी की है। इस बजट से ताइवान एयर डिफेंस सिस्टम, किलर मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर और जरूरी गोला बारूद खरीदेगा। ताइवान के मुताबिक चीन का मुकाबला करना मुल्क की पहली प्राथमिकता है। अवसरवादी पाकिस्तान अब चीन का दामन छोड़कर अमेरिका की चापलूसी में जुटा है। पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा इन दिनों अमेरिका के टूर पर है। F-16 के रखरखाव के लिए पैकेज मिलने के बाद जनरल बाजवा की रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से पेंटागन में अहम मीटिंग होगी। गुरदासपुर सेक्टर में BSF के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को गोलियों की बौछार से एक बार फिर खदेड़ दिया। सुरक्षा बलों को इस ड्रोन के जरिए आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का शक है। यही वजह है कि पूरे इलाके में बड़ा सर्च अभियान चलाया गया है।